ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज टीम इंडिया ने गंवा दी है। तीसरे और आखिरी मुकाबले में बुधवार को विराट कोहली पर प्रतिष्ठा बचाने की जिम्मेदारी है। भारतीय टीम को क्रमशः 66 और 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। कैनबरा में टीम इंडिया एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0-3 से क्लीन स्वीप टालने के लिए उतरी है, वहीं कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा में अपनी 63 रनों की पारी के दौरान 23 रन बनाते ही वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 32 साल के विराट कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें अपने 12,000 रन पूरे करने के लिए 300 पारियां लगी थी। विराट कोहली ने अब तक 251 वनडे मैचों की 242 पारियों में 59.31 के एवरेज से 12,040 रन बनाए थे। उन्होंने 43 शतक और 60 अर्धशतक जमाए हैं। सर्वाधिक शतक की बात करें तो सचिन सिर्फ उनसे आगे हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 49 शतक लगाए थे। एनवी न्यूज़, रे ऑफ पॉजिटिविटी।